आज जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो मैंने बताया था ना कि क्या कहते हैं, बोर्ड हो या एंट्रेंस हो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। पिछला पढ़ लिया है और अगर 5-5, 10-10 टाइम स्ट्रक्चर बनाए हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा उसका, क्योंकि एंट्रेंस में उसी से पूछेंगे। और मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होते ही, आज कार्बोहाइड्रेट्स का ट्राई करेंगे कि खत्म हो जाए, एंड हो जाए इसका कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ध्यान देंगे इधर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। इसमें हम आज पढ़ेंगे रिएक्शंस, क्लियर, रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली ग्लूकोज की। ग्लूकोज की रिएक्शंस ही पूछते हैं, फ्रक्टोज भी कम पूछते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सही ना, रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ेंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, नोट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कोई भी रिएक्शन कराऊंगा इसकी, तो सारी की सारी रिएक्शन इसकी ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन तो जरूर आनी चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं लिखूंगा ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन और ग्लूकोज की रिएक्शन तुम ट्राई करोगे। तो जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, तो मैं जैसे दे रहा हूँ ग्लूकोज, रिएक्ट्स विद से मैंने दिया HCN, HCN। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अदरवाइज बोर्ड के लिए 5-6 रिएक्शन है, मैक्सिमम 4 या 5 रिएक्शन ही होंगे, ज्यादा नहीं है। HCN, NH2OH और ले लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं इसमें, ब्रोमीन वाटर। पहले एक बार लिख लेंगे कि सारी रिएक्शन हमें पढ़नी है। ब्रोमीन वाटर, टॉलरेंस रिएजेंट, सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस आती हैं तो ये कुछ भी नहीं होंगी। टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, एफ उसके बाद आ जाएगा, जी फिनाइल हाइड्राजीन, इसके बाद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एच आई रेड फॉस्फोरस, एच आई रेड फॉस्फोरस, एसिटिक एनहाइड्राइड, ज्यादातर ये एच प्लस के प्रेजेंस में होता है, नाम भी लिख देता हूँ मैं इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी काफी। सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, फिर आ गया मिथेनॉल इन ड्राई HCl, मिथेनॉल इन ड्राई HCl, बस ये। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये सारे हैं, इन सबके नाम भी पता होना चाहिए प्लस इनके स्ट्रक्चर्स भी। तो ये सारी रिएक्शन हमें करनी है, ग्लूकोज रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बोलेंगे इसको, ध्यान रखना क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा ये है हाइड्रोक्सिल अमीन, नाम नोट करना जरूर इनके, हाइड्रोक्सिल अमीन नाम है इसका, NH2OH का, हाइड्रोक्सिल अमीन। ब्रोमीन वाटर बोलेंगे इसको, ब्रोमीन वाटर, टॉलरेंस रेजेंट होता है, टॉलरेंस रेजेंट ये होता है AgNH3 होल ट्वाइस OH, मैंने पहले भी बताया हुआ शायद, नोट कर लेंगे फिर भी, क्योंकि नाम से भी आता है स्ट्रक्चर से भी आता है, हाइड्रो टॉलरेंस रेजेंट ऐसे भी दिखता है वो, AgNH3 होल ट्वाइस Ag, एक मिनट, अंश,
एजी एन एस थ्री होल्ड ट्वाइस OH, ऐसे बोल सकते हैं टॉलरेंस रेजेंट को, या फिर वो ऐसे दे देगा AG2O इस फॉर्म में भी देता हो, या एजी प्लस दे दे, क्या पता एजी प्लस दे दे, तो इसी फॉर्म में भी आ सकता है, या एजी एन एस थ्री होल्ड ट्वाइस प्लस ऐसे भी आ सकता है, समझिए कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर फेलिंग सॉल्यूशन होगा CU2+ + 5OH ions, फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्राजीन होता है NH2, एक H हटा करके C6H5 लगा दो, फिनाइल हाइड्राजीन, क्लियर, फिनाइल हाइड्राजीन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और ये एक दो और ये तीन, ये तीनों माइल्ड, ब्रोमीन वाटर, टॉलरेंस एजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को एसिड में करेंगे। HI रेड फॉस्फोरस, कोई भी कंपाउंड हो एल्केन बना देगा उसका, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी कंपाउंड उसका एल्केन बना देगा। एसिटिक एनहाइड्राइड, नाम याद रखना, सोडियम एमलगम नेशन हाइड्रोजन देता है दो, जिंक एमलगम, इसके साथ भी ऐसे ही कुछ होगा लेकिन इसमें रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट होगी, इसमें एल्कोहल मिलेगा तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये एल्केन दे देगा, जिंक एमलगम एल्केन दे देगा। अच्छा, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटाइल हेमिएस्टर फॉर्मेशन, फिर फिनाइल, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो सारी रिएक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर, और बहुत ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, कार्बोहाइड्रेट्स अगर बोलेगा कोई कि इसमें से क्या पेपर में आएगा, तो बोलेंगे रिएक्शन याद कर लेना जरूर, जो 4 या 5 रिएक्शन बोर्ड के लिए वो याद कर लेना, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक एक करके करेंगे हम, जैसे रिएक्शन विद HCN NH2OH या फिनाइल हाइड्राजीन, तीनों की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होगी, एल्डिहाइड वाले पार्ट के साथ, क्लियर, एल्डिहाइड वाले पार्ट के साथ रिएक्शन होगी, तो ध्यान देंगे इधर। अंश, देखो फर्स्ट रिएक्शन, कोई भी एल्डिहाइड अगर है, कोई भी एल्डिहाइड, RCHO, इसमें डाला मैंने HCN, रिएक्शन करते ही H प्लस है, ये वैसे कोवेलेंट कंपाउंड है, हल्का सा बेस डालना पड़ता है, H प्लस प्लस CN नेगेटिव, तो O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, O के साथ आ जाएगा H, और CN नेगेटिव आ जाएगा C के साथ, तो आंसर आता RCHOHCN, ये रिएक्शन, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, क्या नाम आ जाएगा, साइनोहाइड्रिन, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज हुआ तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। दूसरा, अगर ये ले लिया, अब ऐसे ही दूसरी रिएक्शन, ये तुम लोग खुद करोगे अभी, RCHO है, अगर मैंने इसमें डाला हाइड्रोक्सिल अमीन, नाम जरूर करना, क्योंकि नाम चलेंगे वहां, तुम्हें नाम से स्ट्रक्चर नहीं बनना, तो फिर जीरो सीधा NH2OH, बहुत ही स्लाइट एसिडिक मीडियम होता है, pH 3.5 to 4 कह लो, pH 3.5 to 4 के आसपास रखते हैं इसमें, स्लाइट एसिडिक मीडियम, तो इसमें H2 बाहर निकलता है, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव है सब में H2 बाहर निकलना, तो मिल गया RCH(NOH), ये है ऑक्साइम, हाइड्रोक्सिल अमीन से कभी भी रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा ऑक्साइम, ऑक्साइम, जैसे अगर मान लो इथेनल होता तो इथेनल ऑक्साइम, मिथेनल होता मिथेनल ऑक्साइम, कीटोन होता तो कीटोन ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम बोलते हैं इसको, ये ऑक्साइम बनेगा प्रोडक्ट, इथेनल है तो इथेनल ऑक्साइम, ऊपर हाइड्रोक्सिल अमीन का प्रोडक्ट क्या मिलता है, ऑक्साइम। तीसरी रिएक्शन, RCHO में अगर मैंने फिनाइल हाइड्राजीन डाला, फिनाइल हाइड्राजीन, ध्यान रखना NH2NH C6H5, फिनाइल हाइड्राजीन, इसमें भी क्या होगा, H2O बाहर, वही pH 3.5 to 4, RCH(NNH C6H5), तो इसमें क्या बन जाएगा, हाइड्राजीन वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे एल्डिहाइड के साथ, तो हाइड्राजोन्स, क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन, इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजोन, है ना, फिनाइल हाइड्राजोन, जैसे इथेनल है तो इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। तीन रिएक्शन मैंने तो बता दी एल्डिहाइड की, तीन रिएक्शन बता दी एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की जगह मैं अगर मान लो यहाँ पे CH3 लगा दूं, CH3, ये सब क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, सब में आ जाएगा CH3, ये सब में आ जाएगा CH3 और ये CH3। तो अब जैसे ये CH3CHO इथेनल है, इथेनल है,
तो इथेनल का साइनोहाइड्रिन, ये भी CH3 बन जाएगा, इथेनल साइनोहाइड्रिन, इथेनल साइनोहाइड्रिन। इधर क्या है, इथेनल ऑक्साइम, क्या नाम होगा, इथेनल ऑक्साइम, इथेनल ऑक्साइम, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, इसका नाम इथेनल आ जाएगा बस, इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। तो मैंने तीन रिएक्शन लिख दी है, अब ये तुम सेम रिएक्शन लिखोगे ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के साथ सेम रिएक्शन करो, स्ट्रक्चर ये रहा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, अंश अंश खुशी खुशी Yes. खुशी डाउट तो नहीं कोई? नो सर। अच्छा सही, अच्छा इसके अलावा कोई और सानिध्य? सानिध्य तरुण? नो डाउट सर। चलो नोट करेंगे इसमें, अब वो क्वेश्चंस करेंगे जल्दी, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ध्यान देना। रिएक्शन लिखो अब जल्दी, रिएक्शन लिखनी तुम्हें ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज ये रहा CHO CHOH होल फोर, स्ट्रक्चर एग्जैक्ट नहीं है, तीसरे पे उल्टा होता तुम्हें ध्यान होगा, लेकिन अभी मैं ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन विद HCN लिखोगे, रिएक्शन विद NH2OH, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, नाम जरूर लिखना, बिना नाम के मत करना बिल्कुल भी, फिनाइल हाइड्राजीन। करो जल्दी से तीनों रिएक्शन, चलो देखो इधर आंसर, अब ध्यान देंगे इधर, पहले फर्स्ट का आंसर CHO को क्या बन जाएगा, CHO है यहाँ पे, ये बन जाएगा CHOHCN, ढंग से लिखना बिल्कुल, फिर CHOH होल फोर CH2OH, नाम जरूर लिखना इसका, नाम इसका ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, समझे कि नहीं, ये ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन ये इसका नाम होगा। ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, नाम भूलना नहीं बिल्कुल,
नेक्स्ट NH2OH के साथ, इसका प्रोटीन नीचे बना रहा हूँ NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इससे बन जाएगा H2O बाहर, ये H2O बाहर, अभी बताया था पीछे मैंने, तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH। नाम जरूर लिखना, मैं तुम्हें दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, ये बिना नाम के मार्क्स नहीं मिलेंगे। CH2OH तो ग्लूको ऑक्साइम, क्या नाम होगा इसका, ग्लूको पूरा लिख दोगे तो पूरा भी सही है, नहीं तो ग्लूको ऑक्साइम बोलते हैं, ग्लूको ऑक्साइम या ग्लूकोज ऑक्साइम भी चलेगा, ग्लूको ऑक्साइम अमोनिया डेरिवेटिव है। ऐसे ही फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, तो इसमें भी H2 बाहर, ये बाहर, और आ जाएगा डबल बॉन्ड NNH C6H5, CH OH होल 4 CH2OH, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। किसी को कोई डाउट है इसमें, तीनों रिएक्शन ढंग से करके याद कर लेना इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। अंश तेरे को समझ आ गया कि नहीं? अंश आवाज नहीं आ रही तेरी बिल्कुल भी, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट। अच्छा अब एक चीज, अब यहाँ पे जो अगली रिएक्शन बता रहा हूँ बोर्ड के लिए नहीं है रिएक्शन, वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, पिछली रिएक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, मेंस के लिए। अच्छा सही है अंश, नीट के लिए, IIT मेंस के लिए और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और तुम चेक करना काफी बार क्वेश्चन आए होंगे, और मैं इसका नाम अभी पीछे भी अपने लेक्चर्स में यूज कर चुका हूँ, तो उसी को स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे। रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, जिसको नहीं समझ आएगी तो छोड़ देना, वो बोर्ड के लिए नहीं है, वो मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा इसको। एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, यहां तक तुम्हें समझ आ गया फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, यहां तक तुम्हें समझ आ गया होगा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अब एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन है तो कितने मोल्स लगते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के, एक ये क्वेश्चन, कितने इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ये क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन आता है इसका, तो वो भी ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्ट की रिएक्शन हो गई, H2 बाहर निकल गया, दूसरा पार्ट ऐसे लिखना इसका, CHOH 30 होल 4 था ना, वो थ्राइस मैंने नीचे लिख दिया CH2OH। ये लिमिटेड अमाउंट में फिनाइल हाइड्रोजन जो बोर्ड में है, बोर्ड के सिलेबस में इतना है, उसके आगे एक्सेस में अगर होगा, दोबारा डाला मैंने इसमें NH2NH C6H5। नाउ दिस मॉलिक्यूल विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर, दिस मॉलिक्यूल विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मॉलिक्यूल काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये आ गया यहाँ पे वाटर बाहर, ध्यान देंगे, इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो इसका हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, माइनस अमोनिया माइनस एनिलीन, और ये आ गया, ध्यान देना दर, ये आ गया CH डबल बॉन्ड NH C6H5 को PH भी लिखते हैं, फिनाइल ग्रुप, फिर C डबल बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस CH2OH, और जब भी C डबल बॉन्ड N के नीचे, कभी भी C डबल बॉन्ड N के नीचे अगर होगा ग्रुप होगा कीटो ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये भी क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो दो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट कर गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्ट कर रहा है NH2NH PH के यहाँ पे, एक मिनट, NH2NH PH, ये वाटर बाहर निकल जाए, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, इसको मैं दूसरे पेन से शो कर देता हूँ, ये रहा, ये वाटर बाहर, ये बाहर, और फाइनल आंसर ये है CH डबल बॉन्ड NNH PH। मैं मैकेनिज्म भी इसका बता दूंगा, लेकिन मैकेनिज्म समझने में दिक्कत आएगी, फिर भी एक बार ट्राई करेंगे, अगर किसी को समझ आता तो NNH C6H5, और नीचे CHOH होल थ्राइस CH2OH। तुम्हें समझ आ गया होगा कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये जिसको नहीं समझ आया छोड़ देगा वो, इसे कहते हैं हम
ये जो बना है प्रोडक्ट, मैं इसको ऊपर दोबारा बना देता हूँ इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं ओसाजोन, CH डबल बॉन्ड NNH PH, PH क्या है CCH5, C डबल बॉन्ड NNH PH, ये ऐसे ही होगा CHOH होल थ्राइस CH2OH, ये दिस इज कॉल्ड एज ग्लूको ओसाजोन या ग्लूकोज ओसाजोन भी कह सकते हैं, ग्लूको ओसाजोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओसाजोन फॉर्मेशन है ये, ओसाजोन, क्लियर, ओसाजोन फॉर्मेशन। किसी को कोई डाउट है इसमें, जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, हालांकि सारे ही ट्राई कर रहे हैं, एक दो बच्चों को छोड़कर सभी IIT मेंस और नीट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं उसमें। ओसाजोन फॉर्मेशन में तीन मॉलिक्यूल यूज हुए हैं फाइनल हाइड्रोजन के, एक्सेस ऑफ फाइनल हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई तो तीन मॉलिक्यूल यूज हुए हैं इसके अंदर, एक तो तीन मॉलिक्यूल यूज हुए हैं और एक मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इधर था और ओसाजोन फॉर्मेशन हो गया। अब ये चार रिएक्शन मैंने जो लिखी हैं, ये चारों रिएक्शन तुम फ्रक्टोज के साथ भी कर सकते हो, ये चारों रिएक्शन फ्रक्टोज के साथ भी कर सकते हो। IIT का क्वेश्चन, ओसाजोन फॉर्मेशन में कितने मॉलिक्यूल्स फिनाइल हाइड्रोजन के यूज हुए, सबको पता आंसर तीन है। दूसरा क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव्स द सेम ओसाजोन, एक्सप्लेन, क्लियर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव्स द सेम ओसाजोन, एक्सप्लेन करना ये। तो अब पहले तुम फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन लिखो तीनों, फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन तीनों, ये है फ्रक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस CH2OH, फ्रक्टोज इज अ कीटोन, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद NH2OH, किसी को कोई डाउट नहीं आने वाला इसमें, रिएक्शन विद, और ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना चीज का, जो फ्रक्टोज की रिएक्शन नहीं है NCERT में जो दे रखे हैं वो ग्लूकोज की है सिर्फ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ NH2NH PH, PH क्या है CCH5, ये ट्राई करेंगे तीनों रिएक्शन, और एक्सेस में भी, ये लिमिटेड में भी और एक्सेस में भी दोनों ट्राई करना है फास्ट। Excuse me, sir. हाँ बोलो सर, एक बार पिछले वाला पेज खोल दो।
देखो एचसीएम से रिएक्शन हुई, मैं हाफ पार्ट लिख रहा हूँ सिर्फ इसमें, सी एच टू ओ एच सी के साथ ओ एच सी एन, नीचे सेम सी एच ओ एच होल थ्राइस सी एच टू ओ एच, नाम इसका नाम होगा इसका फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन सही ना, फ्रक्टोसाइन, और एन एच टू ओ एच की रिएक्शन होगी तो वाटर बाहर सही ना, तो इसमें आ गया सी एच टू ओ एच सी डबल बॉन्ड एन ओ एच सी एच ओ एच होल थ्राइस सी एच टू ओ एच, तो उसका फ्रक्टोज ऑक्साइम, फ्रक्टोज ऑक्साइम मेन रिएक्शन मेरे को जो लिखनी है वो एक्सेस के साथ, फ्रक्टोज ऑक्साइम नाम है इसका सही ना, फ्रक्टोज ऑक्साइम, मैं दोनों रब कर रहा हूँ, सबने लिख लिया ना दोनों, फ्रक्टोज ऑक्साइम नाउ विद फिनाइल हाइड्राजी, फिनाइल हाइड्राजी से रिएक्शन होगी, पहली रिएक्शन सबको पता क्या होनी है, फर्स्ट रिएक्शन में किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा, वाटर सीधा बाहर निकलेगा यहाँ से ऐसे, ये वाटर बाहर सी एच टू ओ एच सी डबल बॉन्ड एन एन एच सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ एच होल थ्राइस सी एच टू ओ एच, ये आ गया। अब उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद ना एक तरह से तुम, अब ये तो यहाँ तक तो बोर्ड के सिलेबस में तो ये भी नहीं है वैसे तो, यहाँ पे हो गया फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन, क्लियर, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन, अब इसमें क्या होगा, नाम लिख लेना इसका फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन, अब इसमें दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा वो तुम्हें पता है, इधर से H2 को बाहर निकाल देगा, ये ऐसे सेकंड मॉलिक्यूल इसमें डाला मैंने NH2 NHPH का NH2 NHPH, तो ये वाटर ये H2 या माइल्ड ऑक्सीडेंट ये बाहर निकल जाएगा, और माइनस एमोनिया माइनस एनिलीन ये बाहर, और ये आ गया यहाँ पे ध्यान देंगे CHO CHO C double bond NNH CCH5 CHOH whole thrice CH2OH, ये आ गया। Now last molecule, मैं ऊपर वाला part drop कर रहा हूँ, last molecule कैसे react करेगा सर, इसमें third वाले carbon पे reaction क्यों नहीं हुआ, दक्ष तू ऐसे एक तो ना, अच्छा एक बार मैं वो बता देता हूँ, उसमें एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा है, इसका ऊपर जो है टॉटोपोरिन उसका आसानी से होगा सही ना, और फिनाइल हाइड्रोजन है नेचर इसका बेसिक है, तो ये है, और दूसरा ग्लूकोज में भी रिएक्शन नहीं होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस में डालते हैं ना तो रिएक्शन उसमें भी होती है, लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ना लोन पेयर बहुत सारे हो जाते हैं, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन नीचे नहीं हो पाती, पहले दो कार्बन पे ही होती है बस, दक्ष क्लियर है, मैं अभी तेरे को ना वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इससे मान लिया करते हो ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ट्राई करते हैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इससे ये बना कैसे एक्चुअली, तो उससे शायद तेरे को क्लियर हो जाए कि हाँ ये रीजन हो सकता है, तो अब आगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या करेगा, एन एच टू लास्ट मॉलिक्यूल एन एच टू एन एच पी एच, ये रिएक्ट करेगा तो वाटर बाहर फिर, और आंसर आ गया सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच सी डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच सी एच ओ एच होल थ्राइस सी एच टू ओ एच, अब एक बार चेक करो ये वाला जो ओसाजोन बना है फ्रक्टोज से और जो ग्लूकोज से बना था दोनों सेम है कि अलग है, बस नाम इसका होगा फ्रक्ट ओसाजोन, नाम होगा इसका फ्रक्ट ओसाजोन सही है, चेक करना ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों सेम ओसाजोन दे रहे हैं कि नहीं, और तीन मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, एक बार चेक कर लेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते दोबारा, किसी को पूछना, ये समझ आ गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ गिव सेम ओसाजोन, जो रिड्यूसिंग वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बना देते हैं ओसाजोन,
कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो देखेंगे एक बार, आप एक बार ना ये देख लेते हैं अभी दक्ष ने जो पूछा है कि ऊपर वाला क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो उसका रीजन देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ट्राई करते हैं उसको, बन जाएगा अपने आप। जो सेकंड मॉलिक्यूल है इट इज एक्टिंग एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं इसको एक बार बता रहा हूँ तुम्हें कि कैसे कर रहा है ये। इसमें भी तीन मॉलिक्यूल लगे हैं, इसमें भी तीन ही मॉलिक्यूल लगे हैं, सही ना, ऑक्सीजन फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे इसमें से। ये CH2 है, इसको हटा रहा हूँ मैं पहले, इस CH2 को पहले हटा रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, ध्यान देंगे CHH। अब ये मैं मानता हूँ ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस डबल बॉन्ड अगर ये हटेगा इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा तो कुछ रेजोनेंस हो सकती है, इसलिए ये वाला एच हटेगा पहले, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इससे ये बन गया। मैं ऊपर वाला पार्ट लिखूंगा सिर्फ CHOH डबल बॉन्ड C और एक H और आ जाएगा इसी के साथ, NH NH PH। ये पार्ट, नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम, डेट इज CHOH होल थ्राइस CH2OH। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट डबल बॉन्ड, अब इस वाले H के साथ, ध्यान देंगे डबल बॉन्ड जो है अब इस वाले H के साथ, इसका जब H हटेगा तो इसका कंजुगेशन में आ गया, इसलिए मैं अभी इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ, ऐसे नेगेटिव लेके आ रहा हूँ इधर, नेगेटिव लेके आ रहा हूँ मैं इस पे, कि किस तरह से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और दो कंजुगेशन में, तो तीसरे कंजुगेशन मान लेंगे ये इलेक्ट्रॉन लेके गए इधर, और PHNH2 ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, PHNH2 क्लियर, PHNH2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से और ऊपर CHO बन जाएगा, तो माइनस PHNH2 ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से और आ जाएगा हमारा ये माइनस PHNH2 एनिलीन बाहर निकला और ये आ गया CHO और नीचे आएगा C डबल बॉन्ड NH ये आ जाएगा नीचे वाला पार्ट एज इट इज CHOH होल थ्राइस CH2OH। अब नेक्स्ट पार्ट जब रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ध्यान देंगे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इस साइड वाला, कोर्स में नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा छोड़ देंगे, ये चीज कोर्स में नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट CHO बच गया है और C डबल बॉन्ड NH बच गया, तो इसमें एक मॉलिक्यूल और आता है ये तो होने के बाद, अब एक मॉलिक्यूल आएगा PHNH NH2 फिनाइल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और आएगा, अब वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा, ये निकल गया वाटर बाहर और ये आ गया CH डबल बॉन्ड NNH PH नीचे C डबल बॉन्ड NH और नीचे बिल्कुल सेम, नीचे बिल्कुल सेम आ जाएगा। और आप क्या करेंगे इसमें, अब इसमें वही PHNH NH2 डाल देंगे, अमोनिया बाहर और आंसर आ गया PHNH2, ये लिखा PHNH2 NH2 आएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे लिखा है ताकि तुम्हें समझ आ जाए मैकेनिज्म और अच्छे से समझ आएगा जब वार्निंग आती होगी, तो PHNH NH2 फिर यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या निकल जाएगा हमारा, अमोनिया NH2 है और H ये बाहर निकल जाएगा और जो आंसर फाइनल था वो निकल जाएगा, वही जो हमारा ओसोजन बना था, जो ओसोजन बना था वो फाइनल आंसर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर मैंने लिखा नहीं है, यही आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NNH PH
नीचे भी सी डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच और नीचे बिल्कुल सेम ये होगा और तीन मॉलिक्यूल यूज हुए पूरा मैकेनिज्म बता दिया है लेकिन इतना डिटेल में तुम्हें करने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है बस इतना ध्यान रखना कि कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं ये बीच में दक्ष ने पूछ लिया था इसलिए बता दिया अदरवाइज तीन मॉलिक्यूल यूज हो जाते हैं ओसोजन फॉर्मेशन में ग्लूकोज के केस में भी और फ्रक्टोज के केस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केस में सर जो आपने हाँ बोल दक्ष सबसे नीचे जो प्रोडक्ट है जब हमने दो मॉलिक्यूल डाले कौन सा हां 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 सर वो तो उस मैकेनिज्म में बना ही नहीं जो अच्छा ये कह रहा है ये वाली चीज यस सर दक्ष ये कह रहा है क्या दक्ष वो तो ये तो आंसर निकालने का तरीका है ना जल्दी से ये तो बस कार्बन ग्रुप था उस पर डायरेक्ट अटैक हुआ समझ गया कि नहीं है चलो नेक्स्ट स्टेप लगेंगे दूसरा वाला मॉलिक्यूल आपने कौन से स्टेप में ऐड करा दूसरा वाला मॉलिक्यूल ये रीअरेंजमेंट के बाद ये किया मैंने ऐड तो ये मान के चल कि ये वाले पार्ट के बाद यही किया ना ऐड यहाँ एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे होती है जो मैकेनिज्म मैंने बताया है हम लिख देते हैं वैसे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो मैकेनिज्म इस तरीके से है सही है दक्ष सर मतलब मैकेनिज्म के हिसाब से जो आपने ऊपर राइट में व्यू से लिखा है वो बनेगा दो मॉलिक्यूल के बाद हां मैकेनिज्म हिसाब से ये बनेगा ओके सर बाद में वो बनता है लेकिन हम लिखते हैं ऐसे इतनी डिटेल में जाइयो मत तेरी वजह से बता दिया मैंने ये नहीं तो डायरेक्ट करना क्वेश्चन इसको सही ना डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तीन मॉलिक्यूल यूज होते हैं अभी तक जो रिएक्शन बताई है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एचसीएन के साथ NH2OH के साथ और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ये तीन रिएक्शन पढ़ और हाँ ये तीन रिएक्शन पढ़नी है सिर्फ ये तीन रिएक्शन करनी है तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट नोट करेंगे आगे HI रेड फॉस्फोरस के साथ